कॉन्ट्रैक्ट 20 सालों से चलता आ रहा है, 12,000 13,000 सालों से चल रही स्टार्टिंग है। और आज धरना कर करके हम लोग को हर बार चेन एक ही चीज़ के लिए आते हैं, जितना सैलरी परमानेंट वाले को दे रहे हैं, जितना सैलरी DSH वालों को दे रहे हैं, उतनी सैलरी हमें भी दे, क्योंकि हम लोग एरिया में काम करने जाते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, एंटीनेटल पोस्टनेटल फैमिली प्लानिंग टोटली जितना मेडिकल लाइन के काम डॉक्टर और सिस्टरों का करना होता है वो सारे हम लोग करते हैं। लेकिन काम हम लोगों से ट्रिपल लिया जाता है। परमानेंट वाले 50-50 साल 55-55 साल के साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों को घुटने में लॉक लगी हुई है, वो लोग कोई काम नहीं करते, हिलते नहीं हैं। हम लोगों के साथ इतना सौतेला व्यवहार होता है, तुम एरिया में जाओगी, तुम मेडिसिन लाने जाओगी, तुम वैक्सीन लाने जाओगी, टोटली काम A to Z काम हम लोगों से करवाया जाता है। यहाँ तक कि जो MCD के डॉक्टर बैठे हुए हैं, परमानेंट के डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो लोग आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, चले जाएंगे, मैडम आप बैठे हुए हो, अच्छा मैं आ रहा हूँ, उनका आ रहा हूँ तब होता है जब 4 बजता है या 2 बजता है। हम भी सरकार का क्या मानना है, दिल्ली सरकार से आपकी बातें हुई, स्वास्थ्य मंत्री से आपकी बातें हुई, क्या मानना है उनका? उनको कहा तो नहीं, वो तो कह रहे कि आपको 31 मार्च के बाद दे देंगे, 31 मार्च के बाद आपको सेम वर्क सेम पे आपको मिल जाएगा। हम लोग कुछ नहीं मांगते, सिर्फ बराबर सैलरी मांग रहे हैं, हम बराबर काम कर रहे हैं, हमें बराबर सैलरी दे दो। 31 मार्च के बाद से उन्होंने आज तक लटकाते आ रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर हो गया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वाले को बराबर काम कर रहे हैं, बराबर सैलरी के अधिकारी वो लोग हैं। जब हम लोग बराबर सैलरी के अधिकारी हैं तो हम लोग को क्यों लटकाया जा रहा है? इसी बात के पीछे हम लोग, ये चौथी स्ट्राइक है हम लोगों का, और अब की बात आर पार की लड़ाई होगी। हम लोग करो या मरो। सर आप एक बात जान सकते हैं, 19,000 17,000 में हम बच्चे को दूध और सब्जी नहीं दिला सकते हैं? अब इतनी महंगाई में हम क्या कर सकते हैं? 19,000 में क्या होगा? परमानेंट वाले जो कोई काम नहीं करते, चेयर से हिलते नहीं, उनको 70,000 75,000 सैलरी है, 1,00,000 सैलरी है, हम लोग 20,000 19,000 पे काम कर रहे हैं, क्या कैसे जिएंगे हम लोग बताइए? इसलिए इस बार हम लोग ले के हटेंगे, चाहे जिस कीमत पे दो, नहीं जाएंगे। जितने लोग बैठे हैं यहाँ, दिवाली चला जाए, दशहरा चला गया, अरे जिंदगी हमारी झंड हो गई, बुढ़ापा आ गया इसमें काम करते करते, और 19,000 पर हम काम कर रहे हैं, हमारी धैर्य की अब अति हो गई है, हमारे धैर्य की अब अति हो गई है, अब हम लोग लेके उठेंगे। एक ही काम है, सेम वर्क सेम पे हमारे वो दे दे। परमानेंट के लिए हम नहीं मर रहे हैं, परमानेंट में कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग, परमानेंट करेंगे तो और ये लोग लंबा लटकाएंगे, हमें सेम वर्क सेम पे दे रहे हैं, हम खुश हैं, हम अपने काम का पैसा मांग रहे हैं, बेईमानी के पैसे नहीं मांग रहे हैं।